वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से डेट कल्टीवेशन यानी कि खजूर की खेती। तो ये जो वीडियो है ना, ये 11th और 12th के एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और उसके साथ ही यूपी कैट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टडीज ऑन यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना देरी किए हुए करते हैं स्टार्ट। डेट कल्टीवेशन यानी कि खजूर की खेती, खजूर की खेती से संबंधित सारे क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे हम। बोटेनिकल नेम, सबसे पहले बोटेनिकल नेम ही आ जाता है और इन्हें याद करना बहुत ही कठिन होता है और अगर आप ठान लें तो आसान भी होता है। तो इसका बोटेनिकल नेम दे रखा है फोनिक्स डेक्टालिफेरा। क्या लिखा है? फोनिक्स डेक्टालिफेरा। इसकी जो फैमिली है पामेशी है। फैमिली क्या है? पामेशी है। ओरिजिन प्लेस इराक। क्या है? इराक। और इराक की जो राजधानी है वह है बगदाद। क्या है? बगदाद। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं कितने होते हैं? 36 होते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो क्रोमोसोम नंबर 36 होते हैं, ये खजूर के साथ साथ बेल और फालसा दोनों में क्रोमोसोम नंबर की संख्या 36 ही होती है। फल का प्रकार दे रखा है अष्टिफल यानी कि ड्रूप। खाने वाला भाग ईटिंग पार्ट। बाह्य फल भित्ति। खजूर का पुष्पक्रम स्पेंडिक्स होता है। क्या होता है? स्पेंडिक्स होता है। भारत में सबसे अधिक लवणता एवं क्षारकता सहनशील फसल क्या है? जो भारत में सबसे अधिक लवणता और क्षारकता सहनशील जो फसल है वो है खजूर है। क्या है? आपकी खजूर है। भारत में खजूर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य का है? भारत में खजूर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य का है? वो है राजस्थान। खजूर में प्रवर्धन किस टाइप का होता है? जो प्रवर्धन होता है वो सकर्ष या फिर ऑफसेट के द्वारा होते हैं, जैसे कि हमारा केले में होता है, सेम टू सेम खजूर में होता है सकर्ष यानी कि ऑफसेट। खजूर का पौधा है कैसा है? डायोशियस है। खजूर का पौधा लगाते समय नर तथा मादा भाग, जो नर और मादा प्लांट्स होते हैं मेल और फीमेल, उनका जो रेशियो होता है कितना होता है? 10:1। मतलब कि अगर हम 10 प्लांट फीमेल का लगाएंगे तो मादा का कितना मेल का कितना लगाएंगे? 1। ठीक है। खजूर में परागण किसके द्वारा होता है? जो खजूर में परागण होता है किसके द्वारा होता है? हाथों के द्वारा होता है, मनुष्यों के द्वारा होता है। खजूर में फूल कब आते हैं? खजूर में फूल कब आते हैं? फरवरी से मार्च में आते हैं। आगे दे रखा है कि खजूर में शर्करा परसेंटेज कितना होता है? शुगर परसेंटेज कितना होता है? 70-80% होता है। कितना होता है? 70-80%। खजूर में फलों की तुड़ाई किस अवस्था में करनी चाहिए? खजूर में फलों की तुड़ाई किस अवस्था में करनी चाहिए? तो यहाँ पे लिखा है डोका स्टेज में। कब करनी चाहिए? डोका स्टेज में। तो स्टूडेंट्स, आपने अभी यहाँ पे डेट कल्टीवेशन से संबंधित सारे क्वेश्चंस देखे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड, उनके पास ये वीडियो भेजिए। और अगर आपको क्विज देनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे डेली की 20-30 क्विज आपके लिए बनाई जाती हैं जो कि कृषि से संबंधित हैं। तो आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं।